तो पब्लिक, ये कोई व्लॉग नहीं है, ये अनबॉक्सिंग है एकेन H9R की। तो फटाफट से शुरू करते हैं। तो ये रहा इसका बॉक्स, और बॉक्स के ऊपर बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, जैसा कि आप देख सकते हैं हज़ारों वीडियो में दिखाया गया है। तो बिना वक्त गवाए सीधी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग करते करते बता दो कि इसे मैंने बैंगलोर से मंगाया है, और इसे इसकी डिलीवरी में लगभग 25 दिन लगे हैं। यहाँ पे आप जरा संभाल के इसे निकाल लें, वरना आपका माउंट टूट सकता है। तो कैमरों को एक बार इस साइड रखने के बाद बॉक्स खुलते ही मिलता है ये बेसिक पेपर वर्क, जो हम में से कोई नहीं पढ़ता। बॉक्स के अंदर आपको दो डब्बे मिल जाते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। बड़े बॉक्स के अंदर आपको काफ़ी सारे माउंट मिल जाएंगे, जैसा कि देख सकते हैं आप। सिर्फ माउंट है इसके अंदर, हैंडल बार माउंट, ट्राइपॉड माउंट। और छोटे वाले बॉक्स के अंदर आपको बेसिक चीज़ मिल जाएगी, जैसे चार्जर और रिमोट, और रिमोट की एक बेल्ट। तो ये है वो सारी चीज़ जो आपको बॉक्स के साथ मिलेगी। तो एक एक करके देख लेते हैं। तो पहले है ये रिमोट, जो बहुत काम की चीज़ है, और ये चार्जर जो 5.1 एम्पियर की है, और साथ ही मिल जाता है ये माउंट जो कि कैमरे के साथ अटैच होता है। और ये ट्राइपॉड माउंट है, जिससे आप ट्राइपॉड पे इस तरह से आसानी से माउंट कर सकते हैं। और ये एक और माउंट जो कैमरे के साथ माउंट होता है, और ये प्रोटेक्टिव बैक कवर जो कैमरे के साथ एक आता है और एक एक्स्ट्रा आता है, और ये हैंडल बार माउंट है। तो एक बार इन चीज़ों को साइड करते हैं और मेन कैमरे पे आते हैं। तो कैमरा वाटरप्रूफ हाउसिंग के साथ आता है। और इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसे इस केस से निकालते समय ज़रा ध्यान रखें, इसे आराम से निकालें, बिल्कुल इस जगह से खोलें और ये इसे निकल जाएगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आप इसे पानी में लेके जा रहे हैं तो इस केस के अंदर ही लेके जाएं, वरना आपका कैमरा डैमेज हो सकता है। इस कैमरा में आपको 2 इंच का LCD स्क्रीन मिल जाएगा। इधर आपको SD कार्ड स्लॉट, माइक्रो USB पोर्ट और HDMI पोर्ट मिल जाएगा। इस तरफ आपका अप एंड डाउन बटन और इधर सेलेक्ट बटन मिल जाएगा आपको, और साथ में छोटी सी LED लाइट मिलेगी। साथ ही नीचे के सेक्शन में आपको बैटरी का स्लॉट मिल जाएगा। वहीं आपको बैटरी की कैपेसिटी जहां आपको मिलेगी 1050 mAh की बैटरी। कैमरा ऑन करने के लिए इस वाले बटन को 3 से 4 सेकंड दबाए रखना है और ये ऑन हो जाएगा। और कैमरे के इस वाले बटन को प्रेस करके ही आप इसका मोड चेंज कर सकते हैं, जैसे फोटो मोड, वीडियो मोड वगैरह। उसी बटन को 3 से 4 बार दबाने के बाद आपको ये सेटिंग का ऑप्शन खुल जाएगा, जिसे ऊपर वाले बटन से सेलेक्ट करना है। और यहाँ आपको बहुत से ऑप्शन अवेलेबल मिलेंगे, जैसे वीडियो रेजोल्यूशन, फोटो रेजोल्यूशन, लूप रिकॉर्डिंग, टाइम लैप्स वगैरह वगैरह।
जहाँ तक वीडियो रेजोल्यूशन की बात करें तो 1080p 60fps और 30fps, 4K 30fps और 2.7K 30fps और 720p 120fps पे आपको मिलेगी। आखिर में ये कहना चाहूँगा कि ये एक बजट एक्शन कैमरा है और मुझे इसकी कॉस्टिंग 3100 समथिंग पड़ी, और आने वाले वीडियो में इसकी वीडियो क्वालिटी दिख जाएगी आपको। तो बस यही, मिलते हैं अगले वीडियो में।